हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, रेशनल नंबर क्लास 8 का, जो कि हमने पिछले सेशन में कि जो रेशनल नंबर्स हैं हम किस तरह लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं उसको लेकर के हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे रेशनल नंबर्स को। तो उस रेशनल नंबर को स्टार्ट करते हुए हम एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज टॉपिक है आपका वो क्या है कि जो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो याद रखना कि जब दो रेशनल नंबर की होने हो तो हम कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशनल नंबर इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, जो आज हम आपको है वो बताएंगे, एक एक करके मेथड बताएंगे और एग्जाम्पल से बताएंगे कि किस तरह आपने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, टॉपिक जो हमारा था वो क्या है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमने क्या करना है, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो पहला जो मेथड होगा हमारे को, हम उसको क्या कहते हैं बेटा, मीन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन मेथड कहते हैं, जो हम फाइंड आउट करते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हम मीन मेथड के द्वारा दो रेशनल नंबर्स के बीच में वो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है कि आपको बोला जाए फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर के बीच में हमें क्या करना है, थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो पहला मेथड है मीन, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि हमें दो रेशनल नंबर गिवन है, कौन कौन से आपको दिखाई दे रहा है, थ्री और फोर। थ्री और फोर के बीच में हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं और कितने करने हैं, तीन रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास क्या है, थ्री और फोर गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास पहला रेशनल नंबर आ गया 7/2। तो ये भी क्या एक रेशनल नंबर है, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया हमने, क्या कर लिया, पहला रेशनल नंबर हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सेकेंड रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने फर्स्ट रेशनल नंबर लिया था 7/2 और जो आपके पास एक पहला था प्लस 3, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि 7.2 को डिवाइड करें तो 3.5 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। अभी 3.5 कितना हुआ, 6.5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं क्या करता हूं 65/20 लिखता हूं, तो आपके पास क्या होगा, सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हम 65 और 20 को करें, डिवाइड करें एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है आपका। तो 5 वाले टेबल में लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 1/3 (13/4) आपका क्या आया, सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। तो 13/4 क्या हुआ आपके पास, सेकेंड रेशनल नंबर है आपका, जो कि हमने फाइंड आउट किया किसके लिए, इसके बीच में, थ्री एंड फोर के बीच में हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। तो बेटा ये तो बात हुई थी दो रेशनल नंबर, और हमने क्या क्या कहा है, तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या करना है, तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने जो किया वो 13/4 और 7/2 को लिया। अब मैं क्या करता हूं कि थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं 13 को डिवाइड करके इसी को यूज करता हूं, हमने क्या निकाला, सेकेंड 13, तो हम क्या निकालेंगे, 13/4 प्लस 3/2। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, 13/4 को डिवाइड करके देखो कितना आता है आपका, आप इसको ना करके आगे ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं हम इसको, एलसीएम लो 4, 13 प्लस 4 3 जा 12/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25/8। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, थर्ड रेशनल नंबर आ गया आपके पास।
क्या आ गया, थर्ड रैशनल नंबर। तो इस मीन मेथड के द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा, मीन मेथड के द्वारा, मीन मेथड में क्या होता है, इफ कि आपको इफ ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, दो रैशनल नंबर्स है, तो हमें क्या मिलेगा मीन मेथड में, ए प्लस बी बाई टू। इससे हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, दैट कॉल द मीन मेथड। ये आपके पास क्या रहेगा, मीन मेथड रहेगा आपके पास, किस तरह से, कि यहां पे जो आपके पास होगा ए इज लेस देन बी, मीन्स बी ग्रेटर रहेगा किससे, ए से। और ये क्या होता है कि जहां आपको बहुत कम रैशनल नंबर निकालने होते हैं, मीन्स एक दो तीन रैशनल नंबर्स, तो वहां हम क्या करते हैं, इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, दो रैशनल नंबर बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा सेकेंड मेथड है आपका। तो ये जो हमारे पास था बेटा, पहला मेथड था, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पास, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी पहले कि छोटे जो नंबर्स होते हैं, थोड़े से नंबर्स निकालने होते हैं रैशनल नंबर, मीन्स जस्ट लाइक टू थ्री फोर, मीन्स फाइव तक, आप इसमें क्या करते हो, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। ये आपका क्या था, पहला मेथड था मीन मेथड। सेकेंड मेथड को हम क्या कहते हैं, इक्वेलेंट मेथड कहते हैं। इक्वेलेंट मेथड के अंदर क्या होगा कि जो हम हमारे डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, बराबर कहेंगे, या कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इक्वेलेंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेलेंट मेथड। अब मैं आपको बोलूं कि ये इक्वेलेंट मेथड क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टीचर्स इसको बताते हैं, तो ये आप लोगों को क्या होगा, कुछ इजी मेथड भी लगेगा। हम इक्वेलेंट मेथड के अंदर क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स जो होगा आपके पास, उसका क्या करते हैं, एलसीएम भी लेते हैं। एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को बराबर करेंगे, जब भी नहीं निकले जो रिक्वायर्ड आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं फाइंड आउट करने के लिए, हम उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाए और हमें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, कहता है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है, आपने कितने निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, वही सेम एग्जाम्पल बीच में, बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में। उसी एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखा रहा हूं, 3 और 4 के बीच में। अब मैंने आपको क्या बोला कि इक्वेलेंट मेथड, बच्चों अब आपको पता है कि 3 के नीचे क्या है, 1, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और 4 के नीचे भी क्या है आपके पास, 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाएं। तो देखो बेटा 10 रैशनल नंबर्स हैं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि नीचे यहां पे मैंने बताया आपको 1 था, इंटू 10, तो ऊपर भी 10 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30/40। ऐसे ही जब हमने यहां डिनोमीटर बराबर किया, तो 4 के नीचे भी हम क्या करेंगे, डिनोमीटर को बराबर करेंगे, तो 4 इंटू 10 और 1 इंटू 10, तो कितने रैशनल नंबर हो गए, 40/10 आपके पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि जो हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं वो चेंज हो गए किसमें, 30/10 और 40/10। तो इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिलेंगे, तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, लेकिन हमें मिले कितने, 9 मिले। तो अब आपको पता है कि जब 9 रैशनल, पूछा कितना आपको, 10 रैशनल नंबर्स पूछे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि 30 इंटू में 100 कर देंगे, और नीचे भी आपको क्या कर देंगे हम, एक मिनट करेंगे बेटे, नीचे 10 के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी क्या होगा, 30 इंटू 2, तो आपके पास क्या आया, 60/20। और ऐसे हम क्या करेंगे, यहां भी इक्वेलेंट करना है तो 10 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 इंटू 2, तो आपके पास क्या आया, 80/20। तो अब हमारे पास क्या होगा, 10 रैशनल नंबर्स इजीली फाइंड आउट हो गए, किस तरह से, कि 60 के बाद आता है 60/20, 62/20, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स है। क्या है ये, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स, जो हमें
61/20, 62/20, 63/20, 64/20, 65/20, 66/20, 67/20, तो आपके पास 68/20, 69/20, 70/20। तो आप देख रहे हो बेटा 61 से लेकर 70 तक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, इजीली फाइंड आउट हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मेथड कहते हैं। हम डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किनके बीच में दो रैशनल नंबर्स आपके पास गिवन है। तो चलिए अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ दो ही रैशनल नंबर्स के बारे में पता चला हुआ है। अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, थर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसके द्वारा हम क्या करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये जो थर्ड मेथड है ये कुछ किताबों में नहीं है मेंशन, ठीक है। ये भी क्या होगा कि जहां बहुत छोटे थोड़े रैशनल नंबर्स की हमें जरूरत होती है, क्या होती है, थोड़े रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे 2, 3, 4 रैशनल नंबर्स, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, हम उसी की बात करेंगे आपको। कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि अगर इफ ए एंड बी या पी एंड क्यू, हम कोई भी अवेलेबल सकते हैं, पी एंड क्यू आपके पास क्या होंगे, दो रैशनल नंबर्स हैं, टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला इक्वल टू पी प्लस, तो थर्ड मैटर था बेटा, फॉर्मूला क्या था बात कर रहे थे, पी प्लस एन इंटू में क्यू माइनस पी अपॉन में एन प्लस वन, वेयर ये जो एन क्या होगा, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कि आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मीन्स अप टू इनफाइनाइट। एन क्या होगा, अप टू इनफाइनाइट मीन्स नेचुरल नंबर, मान ले फर्स्ट निकालने तो एन वन रखेंगे, सेकंड निकालने तो टू रखेंगे, दो रैशनल नंबर्स के बीच में तो वो वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास क्या होगा, एक्यूरेट आपके पास रैशनल नंबर्स निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, पी प्लस एन इंटू में क्यू माइनस पी अपॉन में एन प्लस वन। तो अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर निकालेंगे एग्जांपल से। तो एग्जांपल आपको दे रखा है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 5 and 6 कि दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं किसके बीच में, 5 and 6। ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 and 6 की वजह क्या करते हैं हम यहां पे 1 and 2 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, 1 and 2। तो बेटा सॉल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूं कि रिक्वायर्ड कितने रैशनल नंबर चाहिए, 2। तो अब यहां पे क्या होगा कि n इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर, फॉर्मूला क्या है आपके पास, और p की वैल्यू क्या होगी, 1, और q क्या होगी आपके पास, 2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तीनों जो वैल्यूज है हमारे पास, तो पहला रैशनल नंबर आएगा देयरफोर, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, पी प्लस एन इंटू क्यू माइनस पी अपॉन में एन प्लस वन, ये हमारे पास थर्ड मेथड था, थर्ड फॉर्मूला निकालने के लिए किसके, दो रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो पी कितना है आपके पास, 1, प्लस एन कितना है, 1, क्यू माइनस पी 2 माइनस 1 अपॉन में एन प्लस वन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 1 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ, 3/2। तो आपके पास पहला रैशनल नंबर आ गया जो कि कितना था, 3/2 था आपके पास। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, फॉर्मूला लिखोगे p प्लस एन इंटू में क्यू माइनस पी अपॉन एन प्लस वन, आप p की जगह क्या रखोगे, वैल्यू आपके पास 1, प्लस n की जगह 1 रखेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा q माइनस p और 1 प्लस 1, तो अब आप देख सकते हो 1 प्लस 1/2 2 प्लस 1 3/2 आंसर आपके पास आएगा, दैट वॉज द फर्स्ट रैशनल नंबर आपका आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड रैशनल नंबर। तो सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, अगेन आप फॉर्मूला लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पी की जगह क्या हो गया, 2, प्लस एन क्या हो गया, 2 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, क्योंकि हमें दो सेकेंड है, एन कितना है, सेकेंड रैशनल नंबर निकालना है, तो आपके पास हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 2 अपॉन 3, तो 3 2 6 प्लस 2 अपॉन 3, तो क्या होगा आपके पास, सेकेंड रैशनल नंबर आ गया 8/3।
तो ये आपके सामने बेटा मैंने निकाल के दिखाया कि जो थर्ड मेथड था आपका कि हम इसको कैसे यूज करके रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपके सामने हाजिर है कि हम तीन तरीकों से देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों मेथड पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जो 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 उसको लेकर के मैं यहां प्रेजेंट होऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, उसको लाइक करेंगे, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इन मेथड्स के बारे में बताने की कोशिश कीजिए और आपको उम्मीद करता हूं अच्छे लगेंगे। थैंक यू।